बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ क्यों किया विरोध प्रदर्शन? क्या है सक्षमता परीक्षा जिसे नियोजित शिक्षक देने से कर रहे इनकार? नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या कहता है बिहार का शिक्षा विभाग? क्या सक्षमता परीक्षा से खतरे में आ जाएगी नियोजित शिक्षकों की नौकरी? बिहार में नियोजित शिक्षकों ने बीते दिनों विरोध प्रदर्शन किया है, जिन पर प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी सरकार की सक्रियता और बहुमत साबित करने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों का ये विरोध किस बात को लेकर रहा? दरअसल पूरा मामला शुरू तब होता है जब के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। उसके बाद से शिक्षकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब बिहार में कार्यरत सभी शिक्षकों को अपने शिक्षक होने की योग्यता साबित करने के लिए सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत है। अगर कोई सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सकता तो उसे टीचर की नौकरी उसकी खतरे में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर नियोजित शिक्षक क्या है, कौन है और ये सक्षमता परीक्षा क्या कहती है, इसके क्या मापदंड है। नियोजित शिक्षक नगर निकाय के कर्मचारी होते हैं और वो पंचायत के अधीन आते हैं, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते। स्थानीय निकाय के ये शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं बतौर टीचर। अब जब राज्य सरकार के अधिनियम सीधे तौर पर नहीं आते, इसीलिए इनका ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन, बढ़ोतरी, इन सभी पर राज्य सरकार की सुविधाओं का फायदा उन शिक्षकों को नहीं मिल पाता। साल 2003 में शिक्षकों की कमी होने पर राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं पास युवकों को शिक्षा मित्र के रूप में रखा था और इन्हें शिक्षा मित्र को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया और फिर साल 2006 में इन शिक्षा मित्र को ही नियोजित शिक्षक के तौर पर मान्यता दे दी गई और इनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। बाद में इन्हीं शिक्षा मित्र से बने हुए शिक्षकों ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगना शुरू किया, जिसे देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें रखी और सक्षमता परीक्षा इन्हीं शर्तों के अधीन आता है, जहां परीक्षा पास करके आपको अपनी क्षमता और योग्यता को साबित करना होगा। सक्षमता परीक्षा जो आयोजित बिहार सरकार द्वारा कराया जा रहा है, उस परीक्षा को पास करते हैं तो उन्हें स्थानीय शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा और वो सहायक शिक्षक कहलाएंगे। ये परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। नियोजित शिक्षकों की परीक्षा को लेकर निर्णय के लिए गठित समिति ने सरकार को सिफारिश भी दे रखी है, जिसमें बताया गया कि हर शिक्षक को 3 मौके दिए जाएंगे। इसके लिए 4 चरणों में परीक्षा आयोजित होगी। पहला चरण 26 फरवरी को परीक्षा ली जाएगी। अगर नियोजित शिक्षक पास कर गए तो राज्य कर्मी का दर्जा हासिल कर लेंगे। अगर कोई इसमें फेल होता है या परीक्षा में नहीं बैठ पाता तो उनके लिए 3 चरणों में लगातार परीक्षाएं होंगी। जो शिक्षक इन 4 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरण की परीक्षा में नहीं बैठते हैं, 3 से कम चरणों में बैठते हैं या फिर 3 की परीक्षा में बैठने के बाद पास नहीं होते, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा वहीं समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि उनके हाथ से नौकरी चली जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव के पाठक ने कहा कि शिक्षक घबराए नहीं, अगर वो 3 बार परीक्षा नहीं निकाल पाए तो उन्हें 5 बार मौका दिया जाएगा। हालांकि शिक्षक विभाग की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। दरअसल नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर्मी का दर्जा मिलना तो उनके लिए खुशी की खबर है, लेकिन ये परीक्षा और ये शर्त, उसमें असफल होने का डर, नौकरी खोने का डर उन्हें ज्यादा सता रहा है और इसी वजह से नियोजित शिक्षक मजबूर है विरोध प्रदर्शन करने के लिए।